व्यक्ति को इस उद्देश्य को पूरा करना है, इस सपने को पूरा करना है, और हर व्यक्ति द्वंद में फंसा हुआ है। द्वंद्व, हर व्यक्ति द्वंद में फंसा। क्यों? संसार संन्यास दोनों के रास्ते अलग अलग है। आपको संसारी है, आप संसारी हैं। संसारी है मतलब मुख्यतः धन कमाना है, मुख्यतः। तो इसके जो सूत्र हैं वो हैं साम, ताम, दंड, भेद। आपको चैतन्य कमाना है, बुद्ध बनना है, महावीर बनना है, इसके जो सूत्र हैं समझदारी, करुणा, त्याग, तपस्या। अब जानते हैं मानव द्वंद्व में क्यों है, यह पढ़ाया नहीं जाता। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, यह पढ़ाया ही नहीं जाता। यह कभी शिक्षा का पाठ्यक्रम हो ही नहीं सकता। यह बहुत बड़ी बात है मानव के सामाजिक व्यवस्था में। यह पढ़ाया जाता है, यह ये पढ़ाया जाता है। शिक्षा के सारे पाठ्यक्रम का ये केंद्र है ये। और मानव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बस यही द्वंद्व पैदा हो जाता है। वो इसको फॉलो करेगा, ये उसके हाथ से निकल जाएगा। ये मानव समाज का सबसे बड़ा पहलू है। ये किसी भी पाठ्यक्रम में, स्कूल के पाठ्यक्रम में, कॉलेज के पाठ्यक्रम में, यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में है ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए दुनिया में 95% लोग द्वंद्व के शिकार हैं। चाहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इस द्वंद्व से खत्म होने का जो सूत्र है वो है ध्यान। शिक्षा तो है ही नहीं, इसलिए मैं बार बार ध्यान और योग पर बल देता हूं। और कृष्ण सबसे महानतम व्यक्तित्व तो इसलिए, कृष्ण सबसे विशेष व्यक्ति इसलिए क्योंकि वो दोनों को बैलेंस करना जानते हैं। यह असंभव है, यह असंभव है। बुद्ध नहीं कर सकते, महावीर तो कभी कर ही नहीं सकते, प्रभु राम अपवाद स्वरूप कर सकते हैं, अपवाद स्वरूप, लेकिन उसके लिए भी उनके पास डिफेंस है। बाली को छुके मारा, लेकिन उसके पीछे भी उनके पास डिफेंस है। मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन प्रभु भगवान कृष्ण, इस दोनों का समुचित प्रयोग असंभव। एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, आपको चैतन्य पाना है, आपको यह छोड़ना पड़ेगा। आपको संसार पाना है, आपको यह छोड़ना पड़ेगा। एक तो छोड़ना पड़ेगा, भगवान कृष्ण, भगवान भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति, भगवत्ता को उपलब्ध व्यक्ति। यह काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया, संभव ही नहीं हुआ, किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं हुआ। पूरे मानव के इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने इसका एक साथ प्रयोग किया है, सर्वश्रेष्ठ संसारी और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। सर्वश्रेष्ठ संसारी और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। बहुत सारे मित्रों को मुझसे शिकायत रहती है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, आप हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं, श्री कृष्ण के विरोध में बोलते हैं। मैं हिंदू धर्म, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। आजकल का जो समय है, दौर है सोशल मीडिया का, अब मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे,
बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि माइक, सॉरी, बहुत लोग शिकायत कर रहे थे साउंड ठीक नहीं आ रही है। तो मैंने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे, कृष्ण चोर है। अब आजकल की सोशल मीडिया के दौर के लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। भगवान सबको खुश रखे, भगवान सबको मस्त रखे, मैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकता। अब सोशल मीडिया क्या करती है, इस लाइन को पेश कर देती है, इसको डिलीट मार देती है। आपने स्कूल में पढ़ा ना रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को डिलीट कर देती है। हाँ, सर हो जाओ कह दिया, अरे कृष्ण को गाली देती भैया, अरे भैया कृष्ण को गाली, फोन करते हैं। आप कुछ भी करें, खूब गाली दें, जी भर के गाली दें, बोरों में भर के गाली दें, कोई बात नहीं। मैं जिस उद्देश्य को कर रहा हूं आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर, मैं फिर चाहता हूं कि यह संदेश आप तक जाए कि यह जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले को आप जाने, इस फॉर्मूले को आप पढ़ें। ये इसलिए मैंने ये फोटो लगाई शुरुआत में, ये देखिए, ये आपके लिए लगाई। आप सबके अंदर वही अंश है सब, सबके अंदर भगवत्ता का अंश है सब। सबके अंदर सब। फिर भी आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं। भारत में जन्मा हुआ आदमी डिप्रेशन का शिकार है। ये मैंने तो सोचा था कि आज सिर्फ ये फोटो, बस ये फोटो लगा के छोड़ दूंगा। मैंने सोचा था कि आज के सेशन में सिर्फ ये फोटो लगा के छोड़ दूंगा, आपको जिसको भी समझना हो। मन खराब है, शरीर कमजोर है, मन स्ट्रांग है। हम सब दुविधा के शिकार हैं, हमें प्रभु के शरण में जाना चाहिए। प्रभु का द्वार कौन खोलेगा, गुरु। आप अपने हिसाब से चुन लीजिए, आप अपने हिसाब से पता कर लीजिए, अपना अपना गुरु खोजिए, किसी के कहने में मत जाइए। लेकिन इस संकट के दौर में, इस परेशानी के दौर में, इस दुविधा के दौर में, हम सबको इससे बाहर निकलने के रास्ते को खोजना ही पड़ेगा। और बहुत सारे रास्तों में एक रास्ता कृष्ण तक जाता है। तो एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जय हिंद।